एंड बुल्गारिया टू इटली, बुल्गारिया टू पोर्चुगल, बुल्गारिया टू फ्रांस, एवरीथिंग इज पॉसिबल गाइस। अगर आप यहाँ पे आओगे तो 100 out of 100% चांस है कि हम आपको आगे लीगली निकाल दें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू ऑल आर फाइन। हम एकदम बढ़िया, जबरदस्त। एंड अब स्टार्ट करते हैं। देर आर 3 types ऑफ वे जो पहले यहाँ पे आते हैं। टाइप सी वीज़ा, उसको बोलते हैं हम टूरिस्ट वीज़ा। जो टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है कि बिकॉज हम यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं, हमें अगर आगे जाना है तो सर जो यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं हमारे पास सिर्फ वे है लीगल जाने का। लीगल हम आगे मूव फॉरवर्ड यहाँ से नहीं हो सकते। इट्स वेरी हार्ड कि यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा ला के आगे हम शेंगेन लीगल मूव हो सके, क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है यहाँ पे फाइल सबमिट करने को आगे जाने के लिए। सो ये बात होती है यहीं पे ख़त्म। और उसके बाद अब बात करते हैं वर्क परमिट वालों के बारे में जो यहाँ पे वर्क परमिट पे आ रहे हैं। और वर्क परमिट का बुल्गारिया का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, बिकॉज देयर आर 2 or 3 types ऑफ वर्क परमिट ओवर देयर। सीजनल वर्क परमिट, लॉन्ग स्टे वर्क परमिट और ब्लू कार्ड वर्क परमिट। इन तीनों में बहुत डिफरेंस है। और जो सीजनल वीज़ा पे आ रहे हैं उनका तो कोई चांस ही नहीं है आगे मूव फॉरवर्ड होने का। यहाँ पे आपकी आपका वीज़ा चेंज हो सकता है, उसकी वीडियो हमने पहले बना चुकी है, वो डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सीजनल वीज़ा वालों का भी कोई चांस नहीं है यहाँ से आगे मूव फॉरवर्ड होने का विदाउट लीगल। इलीगल आप कभी भी मूव फॉरवर्ड हो सकते हैं। और जो दूसरे वर्क परमिट पे हैं, जो लॉन्ग स्टे डी वीज़ा पे हैं, हमारे पास 70% ऑफ चांस है कि हम यहाँ से आगे लीगल जा सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है हमारे एम्प्लॉयर पे। जो हमारा एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉई है जिसके थ्रू हम यहाँ पे वर्क परमिट लगा के आए हैं, कि वो हमें कई डॉक्यूमेंट्स देता है कि आगे जाने के लिए, जस्ट लाइक अ नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर हमारे पास NOC होगी देन हम एलिजिबल होंगे अपनी फाइल सबमिट करवाने के लिए और एम्बेसी में जाने के लिए। अगर नहीं होगा तो सॉरी टू से सर, हम भी नहीं हो सकते, हमारे पास भी इन लीगल वे से ही आगे जाना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास NOC नहीं होगी। और जो ब्लू कार्ड वाले हैं, ब्लू कार्ड का भी प्रोसीजर थोड़ा सा सेम ही है, बट लॉन्ग से डी वीज़ा, अब क्या होता है कि हम लॉन्ग से डी वीज़ा हम करते हैं, मैं सीजनल और ब्लू कार्ड नहीं करता हूँ, ओनली लॉन्ग से डी वीज़ा करता हूँ। डी वीज़ा में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट उसके इतने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। स्टडी वीज़ा से भी ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बट स्टडी वीज़ा से 2-3% कम एडवांटेजेस होंगे उसके, बट दैट्स अ वेरी पावरफुल वीज़ा फॉर बुल्गारिया। अगर हमारा एम्प्लॉयर हमें NOC देगा, बाकी डॉक्यूमेंट्स देगा, देन हम लीगली फॉरवर्ड होंगे, नहीं देगा तो नहीं होंगे। और जो स्टूडेंट्स या जो लोग हमारे थ्रू आते हैं, हम उनको NOC प्रोवाइड करवाते हैं। क्यों? जो हमारा एम्प्लॉयर है वो हमारा नोन पर्सन है, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, हमने कॉन्टेक्ट्स बनाए हैं, तो हमें एक टाइम पीरियड के बाद, ये नहीं कि आप यहाँ पे आए और आते ही आपको NOC प्रोवाइड कर दी और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दी, नो। लीगल काम के लिए पेशेंस इज द की टू सक्सेस। अगर आप में पेशेंस होगे देन आप लीगली आगे जा सकते हो, अगर नहीं पेशेंस होंगे तो सॉरी भाई, राम राम, जैसे बोलते हैं राम राम भाई, नहीं हो सकता फिर वो, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है सर, हम कैसे भेज देंगे आपको आगे, आते ही तुम आगे चले जाओ। हाँ, इलीगल जाना चाहते हो, नो इशू, देर आर वेरी रूट्स यहाँ से आगे जाने के लिए। जो यहाँ पे आएगा वो ऑलरेडी अपने कॉन्टैक्ट्स बना के आएगा। हाँ ठीक है, हमारे थोड़े से कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ पे एंड उसी से हम करते हैं, अपना बढ़िया चल रहा है हमारा, तो हम गाइडेंस भी देते हैं लोगों को। एंड जो हमारे थ्रू आएगा उसके हम 40-50% चांसेस कह सकते हैं कि हम आपको आगे भिजवा देंगे आराम से, क्योंकि हमें NOC प्रोवाइड हो जाएगी, बट आफ्टर 6 months। अगर आप मेरे को 6 months से पहले बोलेंगे तो नो सर, क्योंकि मैं यहाँ पे लीगल टेंडेंसी पे रह रहा हूँ और जो मेरा वर्क है, जो मेरे एसोसिएट्स, ही इज़ ऑल फ्रॉम बुल्गारिया एंड ही इज़ बुल्गारियन। सो मैं उनको आते ही अगर ये बोलूँगा कि सर यहाँ पे बंदा आएगा उसको ये दो और आगे भिजवा देंगे, नो, क्योंकि वो अपनी कंट्री से इतना प्यार करते हैं कि वो कोई इनलीगल एक्टिविटी नहीं करना चाहते। और मैं यहाँ पे एज ए फॉरनर हूँ और मैं यहाँ पे इनलीगल एक्टिविटी करूँगा तो नो भाई, मेरे दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। आगे तो छोड़ो, आगे तो क्या जाना, हम तो यहाँ पे रहना चाहते हैं, मैं अपनी एजुकेशन कर रहा हूँ, सो मेरे को कोई शौक नहीं है ऐसे इनलीगल काम करने का। एंड अगर आप लीगली आगे जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। और अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक के बारे में, एंड दैट्स स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा पे अगर आप यहाँ पे आओगे तो
100 आउट ऑफ 100% चांस है कि हम आपको आगे लीगली निकाल दें. उसके लिए दो तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल योर कम्युनिकेशन स्किल्स. इफ़ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स देन गुड फॉर अस. आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा होगा क्योंकि मैं आपकी फ़ाइल लगाऊंगा. एंड दैट्स अ गुड फॉर यू एज वेल कि हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी पड़ेगी. एंड सेकेंड थिंग NOC नो प्रॉब्लम. हर यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर सकता हूँ, हमारे यहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप्स हैं उनके साथ NOC लेना एक टाइम पीरियड के आने के बाद वो हमें ईजिली मिलती है. सो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे आएँ और हम यहाँ पे आके स्टक हो जाएंगे. हाँ, स्टडी वीज़ा का एक डिसएडवांटेज है, अगर आपको जॉब नहीं मिली तो एज़ यू नो पहले मैं यहाँ पे 6 मंथ से रह रहा हूँ. एंड अभी आप जब तक ये वीडियो आएगी तब तक मेरी सेकेंड TRC अप्लाई हो चुकी होगी. सो यस, मैं अभी इस टाइम सेकेंड TRC पे आ रहा हूँ. मेरी फर्स्ट TRC एक्सपायर होने लगी है एंड सेकेंड TRC पे आ रहे हैं. एंड दिस टाइम आई एम गेटिंग अ TRC फ्रॉम प्रोलॉन्ज रेजिडेंसी. प्रोलॉन्ज रेजिडेंसी इज जस्ट लाइक दैट कि ये वीज़ा एक्सटेंड होता रहेगा. आई डोंट हैव वीज़ा राइट नाउ. अब मेरे को वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज क्यों, आई एम यूजिंग माई सोर्सेज. मैंने यहाँ पे लोगों का इतना काम किया एंड दिस इज़ माई टाइम कि मैं अपनी रेजिडेंसी को एक स्टेप और बढ़ाऊँ. और मेरी अब जो इस पर रेजिडेंसी आएगी उसके लिए मेरे और दरवाजे ओपन हो जाएंगे. बिकॉज क्यों, आई एम डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क ओवर देयर. मैं अपने कॉन्टैक्ट यूज़ कर रहा हूँ, उनके साथ मैंने कोलेबरेशन किया है, बैठा हूँ, पे किया है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग किया है. एंड दे गिव मी ए पावर ऑफ अटोर्नी. यहाँ के जो एक दो ऐसे मेरे फ्रेंड सर्कल्स में हैं एंड ही विल प्रोवाइड मी ए पावर ऑफ अटोर्नी एंड आई एम गेटिंग अ प्रोलॉन्ज रेजिडेंसी. जो ये अब प्रोलॉन्ज रेजिडेंसी वो होती है कि ये डे बाय एवरी ईयर एक्सटेंड होती रहेगी. कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई इमिग्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी. ये नहीं कि इमिग्रेशन बीच में आके मेरे को बोलेगी कि सर इट्स योर टाइम टू गो बैक टू योर कंट्री. नो, जिस यूनिवर्सिटी के साथ हमारे टाई अप्स हैं तभी हम लोगों को बोलते हैं सर कम टू बुल्गेरिया. अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बनना है इट्स अ फर्स्ट स्टेप, उठा ले तो बढ़िया है सर. लो एजुकेशन सिस्टम है, कम फीस में अफोर्डेबल है, हम कम फीस में आगे भी जा सकते हैं, कम फीस में यहाँ पे एजुकेशन भी कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ भी ले सकते हैं. और द मेन पॉइंट इज़ हम यूरोप में लीगली रह सकते हैं विद द लो बजट और अफोर्डेबल प्राइस में. सो अगर रह रहे हैं तो हमें क्या माड़ा है भाई, यूरोपियन यूनियन में TRC बनेगी, सब कुछ बनेगा A to Z. और सबसे बड़ा मेन एडवांटेज है उस वीज़े पे हम आगे भी मूव फॉरवर्ड हो सकते हैं. उसका कैसे हो सकते हैं वो उसका एक अलग प्रोसीजर है, क्योंकि मैं अब YouTube पे A to Z इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकता क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. एंड उस आप डेफिनेटली अगर मैं एज अ पर्सनल सजेस्ट करूँ तो स्टडी वीज़ा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन रादर देन एनी अदर वीज़ा. विच इज़ हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस. जिसको कम नॉलेज है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, वो इनलीगल जाएगा. जिनकी ये चीज़ें अच्छी हैं, हाँ कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर नहीं करती, बट अगर आपके पास है, अगर आप इम्प्रूव कर लें और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता तो हमारे लिए बढ़िया है और किसी के लिए बढ़िया नहीं है. एंड आई होप आपको ये वीडियो देख के थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि विच वीज़ा इज़ अ गुड फॉर यू. एंड यस, एंड बुल्गारिया टू इटली, बुल्गारिया टू पोर्चुगल, बुल्गारिया टू फ्रांस, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल गाइस. नॉलेज डिपेंड करती है, नॉलेज के साथ आएँ, नॉलेज के साथ आप यहाँ से USA भी मूव फॉरवर्ड हो सकते हैं. इनफैक्ट बुल्गारिया टू कैनेडा इज़ ऑल्सो पॉसिबल. ये हम मैं वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हमने कईयों के वीज़े लगवा चुके हैं. अपना मैंने बुल्गारिया टू ऑस्ट्रेलिया ट्राई करना था, मेरा नहीं हुआ, इट्स ओके फॉर इट. पहले भी ट्राई किया तो कौन सी बड़ी बात है. उनकी अच्छी सी, जो बंदे किसी का काम करते हैं, हम एज ए एजेंट वाली बात हो गई, जो खुद बाहर बंदा भेजता है वो खुद बाहर नहीं जाता, सेम अप्लाइज टू मी. अब मेरा दैट्स माई होम, दैट्स माई सेकेंड होम, इंडिया इज़ माई फर्स्ट होम एंड दैट्स माई सेकेंड होम. यहाँ पे रहते हैं हम, आगे भेजते हैं लोगों को एंड काम हो रहा है. सो दैट्स गुड फॉर अस. एंड आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग. एंड ऐसे ब्लॉग्स को देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ.